परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्वविदं अवान्तं द्यावाग्विधेयो जिदमान्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः कोशलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिशीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं एष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाधितो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायतायम् प्रसादये त्वा महमीशमीयम् सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहम् अमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ 11वां अध्याय श्लोक संख्या 23 से 33 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुपायं बहुदरं बहुदंशाकरालं दृष्ट्वा लोभाः प्रव्यथितास्ततां नभस्त्रिसंदीप्तमलेकवर्णम् व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा विभिन्नविन्दामि समन्त विष्णु दंष्टाकरालानिते मुखानि श्रेष्ठैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभेत शर्मा
प्रसीद रे सजगन निवास अमित त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसंघे भीष्मो द्रोण शूचपुत्रश्च धासौ सहस्मदीयैरपि योजमूर्खै वक्त्राणि देश्वरमाणाभिषन्ति दर्शापराधानि भयानकानि केचिद्विलग्नादशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते सुनितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवो भुवेगा समुद्रदेवाभिमुखा जगन्ति तथा च वामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धदेवा तथैव नाशाय विशन्ति लोकात् तदापि वक्त्राणि समृद्धदेवा लोलीयसे प्रसमाना समन्ताल्लोकान् समक्रान्वरणैश्वरसे तेजो हिरापूर्य जगत्समागम् भासस्वरूपाप्रपपन्ति आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देव वरप्रसीद ज्ञातुमिच्छामि भवन्तु माद्यं महे प्रजानामि तव प्रवेशम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकाक्षयकृत्कवृद्धो लोकान् स्वमहत्वमिह प्रवेश स्थितिपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योगा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठजसो लभस्व जित्वा शत्रून् भूक्ष्मराज्यं समेधम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमातं भवसव्यसाचम् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठजसो लभस्व जित्वा शत्रून् भूक्ष्मराज्यं समेधम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमातं भवसव्यसाचम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं
श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 14 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम हरे शरणम 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 परमात्मा के सिवा है दूसरी सत्ता नहीं है, एक ही सत्ता है। वासुदेव सर्वम परिपूर्ण सम शांत सद घन सिद्ध घन आनंद घन परमात्मा परिपूर्ण है, किसी सिवाय सत्ता नहीं है। ये मनुष्य पशु पक्षेर ईटर सोना पत्थर जडर चेतन सावर जंगमर ये सब अज्ञान से कल्पित है। ये दम धारित है जगत जैसे परमात्मा के जो अपरा शक्ति भूमि अपना वायु खग मन बुद्धि अहंकार और पराशक्ति जीव भूता मेरे बाद ये एकदम धारी जो उज्जल जो धारण करने का तो ये अपनी जगत धारणा है अपनी है। ये अपरा और परा दो शक्ति और एक परमात्मा जब तक इनकी सत्ता चित्त में है तब तक ये बात है। अपने मन से सत्ता निकलेगी तो एक परमात्मा ही रह जाएगी। मतलब परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय
मेरे से और कुछ भी बाकी नहीं है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे सूत के धागे में सूत के मणे परे हुए हो तो वो सूत ही सूत है, सूत ही वो डोगी है, वो डोरी में ही गांठे दे दी, एक गांठ एक मणे दूसरा गांठ दूसरा मणे दिले, सब एक सूत ही है। मई सर्विदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। सूत के धागे में जैसे सूत के मणिये परोए हुए हो वैसे सब संसार मेरे में परोया हुआ है। तो क्या हुआ, वासुदेव सर्व हुआ, सूत ही मणिया हुआ, सूत ही धागा हुआ, सूत ही मणा हुई, माला भी सूत, मणिया भी सूत, धागा भी सूत, सूत के सिवाय कुछ नहीं, ऐसे एक वासुदेव के सिवाय कुछ नहीं। ये खास ध्यान है, मेरे तो मन में कभी कभी आई है कि जब अपने को मालूम हो जाए कि सिद्धांत ये है, सब कुछ वासुदेव ही है, सिद्धांत मालूम हो जाए और उद्धार अपना चाहते हैं, फिर चाहिए क्या। अपने ठीक बुद्धि लगा करके दिन रात एक परमात्मा ही परमात्मा है इस बात में लग जाए। भाइयों बहनों सुनो, ध्यान देकर अपने करना क्या है, जाना कहाँ है, आना कहाँ है, लाना क्या है, ले जाना क्या है, एक ही परमात्मा है तो रात और दिन से लग जाए एक परमात्मा है। वक्त पर खाना पीना सोना जगना बैठना उठना काम हो जाए, परंतु सब में है एक परमात्मा ही, इस बात को याद रखे। ऊपर भीतर, ऊपर नीचे, भीतर बाहर, दसों दिशाओं में है क्या एक परमात्मा ही परमात्मा है। ये जब सिद्धांत है सब महात्मा सुदुर्लभ भगवान ने कह दिया, ऐसे महात्मा दुर्लभ है तो अपने ऐसा ही बन जाए, और करना क्या है बताओ, इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है। आप समझो कोई काम खोटी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये तो केवल परिवर्तन परिवर्तन है, ये तत्व कुछ नहीं है, ये भी अपनी मानी सत्ता तब है, नहीं तो है नहीं, ये एक परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। इसमें ख्याल रखे, ध्यान रखे कि अपने को इस तत्व को समझना है, ये तो है। जब ऐसा मालूम हो जाए कि वास्तव में क्या है, वास्तव में वासुदेव सर्वम है, सब कुछ परमात्मा ही है, तो अपने को करना क्या है, क्या लाना है, क्या ले जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, एक परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम। जो वृत्ति पैदा हो वासुदेव, जो दृष्टि में आवे वासुदेव, जो सुनने में आवे वासुदेव, जो चिंतन में आवे वासुदेव, परमात्मा ही परमात्मा है। जब ये मालूम हो जाए कि हमारे को यहाँ पहुँचना है, जैसे एक मंदिर पर
एक पहाड़ पर मंदिर है, वहां पहुंचना है। उसका रास्ता है, सड़क है, यूं ऐसे गगनबंदी में सड़क जाती है ऊपर। तो जो शहरीले शहर के आदमी है वे सड़क सड़क जावे, परंतु तो जंगल में रहना है, सड़क इतना घूमे, यू जाए यू जाए यू जाए, अरे चट 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 जा, मैं फिर पकड़ा यो पकड़ा बैठो सच। बात भी इतनी है समझ आ जाए तो फिर वो काम क्या है, इससे बढ़कर कोई काम हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, हो सकता नहीं, चल बात है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं, हो सकता नहीं। भूत वर्तमान भविष्य और साथ परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं, परमात्मा ही है। इस बात को पकड़ कर योग्य हो जाए, सीधी जमीन है उसमें मैं कभी पत्थर आ जाए बड़ा तो ऊपर चढ़ गया, इतने तार तक कट हो गया, वृक्ष ऊपर गया घुस गया, जितना चढ़ गया उतना रास्ता कट गया, सट सीधी चला गया सीधी। इन सब नहीं हो अभ्यास, यूं जाओ यूं जाओ यूं जाओ यूं जाओ यूं जाओ, पहुंचना तो वहां है, तुम्हारी मर्जी उसे जाओ, जो शास्त्रों की रीति है मेरे अनुसार से करो तो वे होगा, फिर श्रवण करो, फिर मनन करो, फिर इंध्यास करो, तो तुम पदा संशोधन करो, फिर समाज ध्यान धारणा करो, फिर ध्यान करो, फिर समाधि करो, समाधि से विकल्प हो, फिर निर्विकल्प हो, फिर सभी जोर, फिर निर्बीज हो, फिर ये रास्ता है। ये तो अपने सीधी जी परमात्मा ही है, बस सीधा रास्ता है, सीधी हरी, न श्रवण करना है, न मनन करना है, न निध्यासन करना है, न धारणा है, न ध्यान है, न समाधि है, न सविकल्प है, न निर्विकल्प है, न सबीज है, न निबीज है, लंबा रहता है। इस रास्ते से वहां सो जैसे सौ गया इस रास्ते तो आपकी अपने बात तो यही है, वो मंदिर पर वहां जाना है, बस एक परमात्मा ही है, उसके लिए और कुछ नहीं। क्यों धारणा करे, क्यों तकलीफ देंगे, एक परमात्मा है, सीधे तरह मौज हो जा, मौज आनंद हो जा। पुस्तक पढ़ो, पुस्तक अनुसार करो तो करो, कितना भाई भरोसा किसको है, शरीर कितना है, कितना लेना है, कुछ पता नहीं है, बहुत कच्चा मामला। इसी के कलकत्ता में सत्संग हो रहा था, सत्संग में माई मर गई, सत्संग में उठा देगी क्या करे, प्राण निकल गए क्या करे। तो इस वास्ते कच्चा मामला है, पेट में मर जाए, जन्मता ही मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, वर्षों का मर जाए, कभी ऐसी अटक नहीं, इस वर्ष में तो कम से कम नहीं मरेगा, इस मंथ महीने में नहीं मरेगा, इस दिन में नहीं मरेगा। मौत जितनी सस्ती है कोई सस्ती चीज नहीं, ठीक हो तो अपने तो सट सट देख। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। जब पता लग गया कि वासुदेव सर्व में यही सर्व ऊंची चीज है, फिर क्यों इधर उधर जावे, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान। एक दंडवत स्वामी थे, दंडवत स्वामी एक नाथ जी महाराज के पास रहते थे, तो दंडवत करते हैं, किसी को
मनुष्य को कर दिया, कुत्ता कर दिया, गधे को कर दिया, महात्मा को कर दिया, वृक्ष को कर दिया, सुखा ठूठ से एकदम कर दिया, दंडवत दंड कर दिया। भागवत लिखा है विसृज्य सहमान स्वान ऋषम वीडांत देहि किम परमे दंडवत भूमो आश्र चांडाल गोकरम कुता चांडाल गौ और गधा चार नाम लिया है आश्र चांडाल गोखरम परमे दंडवत भूमो ऐसे स्वामी अनुरोध करता है। भागवत साधन है तो एक गधा मरा पड़ा था जिसने गधा जी गया एक दांत मारा ना फटकार सिद्धि करते हो सिद्धि करते हो गए जाओ यहाँ से निकलो यहाँ से यार जरूरत नहीं है ऐसा दम गया फिर भागना पड़ा सिद्धि करते हो गधा जी गया ना सिद्धि साधन किए जाओ बोला सिद्धि करते हो माता मरते हो उनके जीवन चरित्र में आया है। तो ये सिद्धियां विद्या करने संसार में ये फायदा नहीं है, फंसना है फायदे फंसना है सेवा है फंसना अपने तो भगवान है वासुदेव सर्व उसमें वासुदेव सर्व में ये भी आ जाएगा ये शरीर मन बुद्धि प्राण इंद्रियार मन बुद्धि राम एक सच्चानंद परमात्मा सच्चिदानंद घन आनंद घन परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। नाम जप करो कीर्तन करो सब भगवान है भगवान है देखो भाई अपना देखता तो ऐसा कैसे चिंतन करे भगवान का ये सारी चीज है। बर्फ बर्फ पड़ी बर्फ ही बर्फ ढेला छोटा है डारी ढेला पड़ा है अरे पानी में पड़ा हुआ है अब पानी का चिंतन कैसे करे अरे पानी है चिंतन क्या करे छोटा देश है जा बड़ा देश है जा ढेला देश जल है बस एक जल है एक जल है कोई पत्थर दिखे कोई मकान दिखे कोई विश्व दिखे कोई पशु दिखे कोई पशी दिखे कोई स्त्री दिखे कोई पुरुष दिखे कोई मनुष्य दिखे से दिखे वो एक जल ही है वो कोहरा दिखे बंदर दिखे भाप दिखे पानी दिखे बर्फ दिखे ऐसे हमने सुंदर हमने भगवान है भगवान है मौज हो जाए मौज पता लग जाए ना ये पता नहीं है हम तो शिव से कोई बताने वाला नहीं कोई अरे बताओ क्या परमात्मा ही है वासुदेव सर्वम अब क्या बताओ अब देख क्या वो है वही है वही है वही है वो तू ही है तू ही है तू ही है इस आखिर विश्व में भरा एक तू ही तू ही है तू ही है सब कुछ तू ही है आप ये लिया वहा बना रहा मस्त जग कैसे कैसे रूप धारण किए है कहीं कुत्ता बने गई गधा बने गई मनुष्य बने गई ऊंट बन गई कहीं मुर्दा बन गए कहीं बन गए हड्डी बन गई मांस बन गए कहीं पी बन गए मैला बन गए पेशाब बन गए दुर्गंध तू ही है तू ही अब किसी वेश में हो मैं पहचान लूंगा अब भगवान छिपे का है पीछे अब बर्फ वो बर्फ के पास ले गए तो भाई बर्फ भाई बर्फ किसी के पीछे किस को रुके
मस्त हो जाते चौदिश आरती चौदिश पूजा चौदिश आरती चौदिश पूजा चौदिश राम मेरे और दूजा नम पुरस्तास्ते नमो सुते सर्वदैव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तम सर्वम समाप्तोऽसि वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांक प्रजापते स्वं प्रभुतः नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनः भूयो विनो नमस्ते तम पुरस्तादमनुसुतस्ते नमो सुते सर्वदैव सर्व भगवान है भगवान 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 कैसे कैसे रूप धारण किया महाराज कहीं चढ़ कहीं चितन कहीं स्थावर कहीं जंगमर कहीं असार कहीं बंधार कहीं सुगंधिर कहीं दुगंधिर कहीं बढ़िया कहीं घटिया तो है सब में उसको वही है ही वही एक वो हम बहुश्याम एक वो बहुत हो जाओ वो एक परमात्मा ही अनेक रूप से हुए और अनेक रूप समझ कर फंसा एक ही हो जाते है सभी एक अनेक अनेक एक हो जाता है अनेक जिसमें गिनती कर नहीं सकते आप एक नीम है एक इमली है उसे पत्ता देखो तो एक एक पत्ते से मिलता नहीं पता इमली बहुत बड़ी होती है पत्ता छोटा होता है पर एक एक से पत्ता मिलेगा नहीं नीम का पत्ता देखो बड़का ले लो मोटा पत्ता उसमें जो जाली है किसी पत्ते की एक साल एक से नहीं मिलेगा मनुष्य कहता है एक साथ चेहरा किसी कभी नहीं मिलेगा दो बार बाद बताते हैं दो का चेहरा सब सब भाग भाग पगड़ी बांध जुड़ी एक मारवाड़ी पगड़ी भाभी एक समान नहीं मिले दो को एक समान नहीं मिले भाग एक समान नहीं मिलेगा वाणी एक समान नहीं मिलेगी कंठ शरीर के मुख निशा सात स्वर है सात स्वरों में स्वर सुने वाले आदमी अलग अलग एक स्वर में एक षडज है सारे गद निशा एक स्वर में सात में गा रहे उन एक स्वर में कितना भेद है पता नहीं सकते आपका अमुक गा रहा है अमुक गा रहा है गा रहे उसी स्वर में एक स्वर में एक स्वर में कितना भेद है बुद्धि चकरा जाए बना बुद्धा चकरा जाए भगवान की लीला समझ नहीं सकते भगवान है योगा ठीक है अब गाना में स्वर तो एक ही है स्वर में गा रहे सभी बेतरा हो जाए तो बेस्वरा हो जाए बेस्वरा हो जाए बेतरा हो जाए बेतरा नहीं है नाम बेस्वरा है एक स्वर में एक ताल में गा रहे अरे कंठ न्यारा आप विचार देखो एक स्वर है उसमें कंठ न्यारा पांच सात आदमी पांच सात एक स्वर गा रहे अब एक स्वर में न्यारा कैसे हुए सब एक स्वर भगवान की लीला विचित्र बहुत विचित्र अनंत अनंत होता हुआ एक और एक होते हुए अनंत 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 एक एक अनंत अनंत एक ऐसे विलक्षण परमात्मा है बस परमात्मा है बस बाहर भीतर 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 बाहर भीतर तरांतर बाहर भीतर 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 बाहर भीतर भीतर भीतर
बाहर भीतर है, भीतर भीतर है, तरांतर है। अनेक रूप से अनेक रूप, अनेक रूप रूप आए विश्व विश्व, अनेक रूप रूप आए विश्व प्रवेश। परमात्मा है, परमात्मा परमात्मा है। ओ भाई गया गया नहीं बचन को, तो ये गाड़ी बड़ी हो, तो ये बैल बड़ी हो, तो ये भाई हो, तो ये बूढ़ी दादी बड़ी हो, तो ये छोटो कोई बूढ़ी दादी दादी तो बड़ी हो नहीं, तब सर ही बढ़िया मोटा ही बढ़िया छोटी, तो ये कटोरी, तो ये गिलास, तो ये थाले, तो ये भोजन, तो ये करने वाला होता है भगवान। ये सुगम गति कितनी सुगम गति, सुगम सुगम कितनी जो देखो भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान सीधी सीधी शुरुआत है, और ऊंची से ऊंची श्रेष्ठ श्रेष्ठ उपासना है सीधी सर। कोई समझने में कमी नहीं, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, तू ही है, तू ही है, तू ही है। इस संसार मात्र में एक तू ही, तू परिपूर्ण सम शांत घन आनंद घन सिद्ध घन सद घन आनंद घुमा सर शाश्वत अमल समोष है तू सर्वदा। ये देह है बोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, नारायण 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 नारायण, क्या बात है।